हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास एर्थ का चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद आप उन्हें भी देख लें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नोट डाउन कर लिया है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके बताना है। यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है ये 62,500 और टाइम दिया गया है 1.5 ईयर्स। रेट दी गई है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो चलिए फ्रेंड, पहले जो दिया गया है इसे नीचे नोट डाउन कर देते हैं। तो ये पी इक्वल टू मैंने प्रिंसिपल लिख लिया है 62,500 रुपये और रेट इसकी दी गई है 8%। ये मैंने आर इक्वल टू 8% लिख लिया है। टाइम दिया गया है 1.5 ईयर्स, ये मैंने एन इक्वल टू 1.5 ईयर्स लिख लिया है। तो फ्रेंड देखिए, जब क्वेश्चन में यहाँ पर जो रेट दी गई है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली दी गई है। जब हाफ ईयरली रेट दी हो तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, जब एनुअल दिया हो तो आपको रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं करना है। अगर हाफ अर्ली दिया हो तो आपको रेट का हाफ करना है और टाइम का डबल कर देना है। अगर क्वार्टरली दिया हो तो आपको क्या करना है, तो रेट का 1/4 कर देना है और जो टाइम पीरियड हो उसका 4 टाइम कर देना है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये हाफ अर्ली दिया गया है, तो हाफ अर्ली में हमें क्या करना है, रेट का हाफ करना है, टाइम का डबल करना है। देखिए रेट यहाँ पर 8% दी गई है तो इसका हाफ करेंगे तो रेट यहाँ पर ये 4% हो जाएगी और टाइम दिया गया है 1.5 ईयर्स, तो इसका जब हम लोग डबल करेंगे टाइम का तो 3 ईयर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, तो नहीं लिया है तो ले ले, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब फ्रेंड हमें जो रेट कौन सी लेनी है, अब हम लोग रेट लेके चलेंगे 4%, टाइम लेके चलेंगे 3 ईयर्स। तो देखिए हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए इजिकल टू पी और ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 इसकी होल पावर एन। तो यहाँ इस फार्मूले में हम लोग पी आर और एन की यहाँ से ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड पी की जगह पर 62,500 मैंने पुट कर दिया है, आर की जगह पर 4 पुट कर दिया है और एन की जगह पर 3 पुट कर दिया है। तो अब इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये ऊपर 4 लिखा है, नीचे 100 लिखा है, तो ये 4 बन जाए तो 4 हो जाएगा। अब 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड, ऊपर ये 1 और नीचे 25 आ गया है, तो इसे हम लोग पहले जो स्टेप जो है इसे हम लोग एज इट इज जैसे ही नीचे नोट डाउन कर देंगे। इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये यहाँ पर 1 है और नीचे 25, तो ये मैंने 1/25 लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 एंड, मतलब 1 + 1/25, इनको प्लस करके लिख लेंगे। जब 1 + और 1/25 को प्लस कर देंगे तो ये 26/25 आ जाएगा। तो ये मैंने ए इक्वल टू 62,500 लिख लिया है। देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इनको प्लस करने पर देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये 25 बन जाए, 25 + 1 कर लेंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 26/25 यहाँ पे आ जाएगा। जो इसकी पावर लगी है उसे मैंने एचटी जैसे ही लगा दिया है। तो इसे हम लोग यहाँ पर ए इजिकल टू 62,500 ऐसे ही लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये लिखा है 26/25 इस पूरे का होल क्यूब, तो हमें 26 का स्क्वायर कर सॉरी 26 का क्यूब करना है। तो 26 का क्यूब होता है 17,576 और 25 का क्यूब करना है तो इसका क्यूब होता है 15,625। तो ऊपर हम लोग 26 का क्यूब रखेंगे और नीचे 25 का, तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर से इसे मैंने हटा दिया है, तो आप क्यों ये यहाँ पर जो क्यूब लिखे थे, तो इसे हम लोग इस नंबर को जब डिवाइड कर देंगे तो ये 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो हम लोग 62,500 को डिवाइड कर देंगे 15,625 से तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब जो बचा है इसे नीचे लिखेंगे यहाँ पर,
ये जो 4 बचा, 4 मैंने लिख लिया है, और यहाँ पर ये 17,576 लिखा है, इसे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो हमें अमाउंट मिलेगा ये 70,304 मिला है। तो ये फ्रेंड हमने अमाउंट फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन में हमें देखिए अमाउंट फाइंड करके बताना है, तो ये अमाउंट हमने फाइंड कर लिया है 70,304 रुपये। अब देखिए यहाँ पर से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू डेट इज सी आई इजिकल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट ये फाइंड किया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 70,304, और प्रिंसिपल जो कि यहाँ पर ये दिया गया है 62,500, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। तो ये फ्रेंड अब इनको हम नेक्स्ट स्टेप में माइनस करके लिख लेंगे। तो माइनस करने पर ये 7,804 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।